नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डबरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से आठवीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Trust FI, yani ETFI. जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार। फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विद 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अलरपट्टी, नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, सारीज एंड किड्स वियर। दीपू हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक बाजार बंद। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने SSP को सौंपा ज्ञापन, नगर थाने को चुस्त करने की मांग। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने दिवंगत दीपू को दी श्रद्धांजलि, निकाला कैंडल मार्च। 12 मार्च को रामनगर ITI में लगेगा जॉब कैंप। पैनल अधिवक्ता का चयन हेतु आवेदन जमा करने की तिथि का हुआ विस्तार। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारावैधिक स्वयंसेवकों के चयन के लिए तिथि का हुआ विस्तार। प्रभारी DM ने सदर प्रखंड के नल जल एवं मनरेगा योजना की समीक्षा। UGC के 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। मिथिला में समाज विषय पर एक दिवसीय शोध कार्यशाला का हुआ आयोजन। 12 मार्च को पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों एवं उनके द्वारा प्रोत्साहित लाभुकों को लगेगा कोविड का टीका। सभी महाविद्यालयों ने 7 से 10 दिनों में डॉक्यूमेंट जमा कर देने का दिया भरोसा। बिहार में कोरोना के 44 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 302। और दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। और समाचार अब विस्तार के साथ। दीपू हत्याकांड के खिलाफ दरभंगा में सड़क पर उतरे लोग, दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक बाजार रहा बंद। दीपू हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पूरा दरभंगा और लहेरिया सराय रहा बंद। नगर थाना क्षेत्र के मसरा बाजार में लूट के दौरान हत्या के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान दरभंगा और लहेरिया सराय के व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वतः स्फूर्त बंद रहे। बंद का सबसे अधिक असर घटना स्थल के आसपास रहा। वहां सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। दरभंगा टावर पर भी बंद का काफी असर दिखा। वहां भी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। इस दौरान बंद समर्थकों ने कई जगहों पर सड़कों को अवरुद्ध भी किया। लगभग 2 घंटे तक बाजार बंद रहा। यही हाल लहेरिया सराय का भी रहा। लहेरिया सराय टावर और लोहिया चौक पर बंद समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां टायर जलाकर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी भी की गई। बंद समर्थकों का कहना था कि अपराधियों का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस का खौफ बदमाशों पर समाप्त होता जा रहा है। इसका नतीजा है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों का मनोबल इतना ऊंचा था कि लूट का विरोध करने वाले दीपू की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ भी दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इससे जाहिर होता है कि बदमाशों का मनोबल कितना ऊंचा है। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग की। कहा इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। सूरज चांद रहेगा, कुमार अमर रहेगा।
कर रहे हैं कि मंडी में जो है एक सुरक्षा का जो है व्यवस्था जो है बहुत अच्छा से किया जाए और प्रशासन को जो है ना दिन में के लिए जो है पैदल यात्रा में देना चाहिए, गाड़ी से जो है लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे दो महीना पहले सर दरभंगा में बैंक ये सोनार व्यवसाय संघ की डकैती हुई थी, वो दिन दिहाड़े इस तरह से मिथिलांचल में आज तक का इतिहास है कि कभी नहीं हुआ था। और अपारिये दिन इधर आकर के जो है सो पुलिस गश्ती के थोड़ा कमी के कारण जो है डकैती की घटना अपारिये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके आपके माध्यम से हम जानकारी पुनः फिर देना चाहेंगे कि दो तीन महीना पहले लगभग डबरू सेठ जी के यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति में कांड हुआ, जिसको देखते हुए हम लोग शर्मसार हो गए कि क्या यही मिथिलावासी है। और दो दिन पहले जो है व्यवसायी अपनी घर जा रहे हैं और उनसे लूटपाट हो रहा है और बेगुनाह गए उनको छुड़ाने के लिए वो लड़का नौजवान वो मारा गया। तो हम प्रशासन से पुनः फिर विनती करके आग्रह करते हैं कि दरभंगा में इस चीज को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी इंतजाम की जाए। बिल्कुल सुरक्षा का मांग कर रहा है, आए दिन तो यही लूट खसूट मारपीट यही सब तो हो रहा है, अपराधी बढ़ गया है। बिल्कुल सुरक्षा के सवाल पर बंद किए हुए हम लोग, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं जो हमारे कार्यकर्ता हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपू खट्टिक जी का नृशंस हत्या किया गया, उसके लिए बिहार सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था उनका पूरा आपको खराब हो चुका है, कानून व्यवस्था को लागू करते हुए हमारे जो शहीद हुए हैं दीपू जी इनके परिवार को 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी, एक आवास दिया जाए। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, नगर थाने को चुस्त करने की मांग। दीपक हत्याकांड के विरोध में एसएसपी बाबूराम से मिलने पहुंचा चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि मंडल, जताया दुख, कहा टाउन थाना है बिल्कुल निष्क्रिय, इसे करना होगा चुस्त दुरुस्त। दीपक हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका के नेतृत्व में स्थानीय वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से मिला एवं एक स्मार पत्र के माध्यम से इस घटना की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि घटना से मात्र 100 गज की दूरी पर ही थाना है, परंतु थाना बिल्कुल निष्क्रिय है, अतः इसे चुस्त दुरुस्त करना होगा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के पीछे 5 आदमी का हाथ रहा है, जिसमें कई की पहचान कर ली गई है, उनके यहाँ छापा मारी कर पकड़े जाने की कार्रवाई भी हो रही है। वर्तमान में कुछ पुलिस पदाधिकारियों की कमी की वजह से थाने में पोस्टिंग नहीं हो रही है, इसे यथाशीघ्र दूर किया जाए। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने दिवंगत दीपू को दी श्रद्धांजलि, निकाला कैंडल मार्च। दीपू की हत्या पर मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन दरभंगा एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने जताया गहरा दुख, निकाला कैंडल मार्च, दी श्रद्धांजलि। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन दरभंगा एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के नेतृत्व में दरभंगा टावर पर दिवंगत दीपू कुमार की श्रद्धांजलि में कैंडल मार्च निकाला गया। दरभंगा जिला के सभी व्यापारी वर्ग के व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन दरभंगा जिला के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जिला सचिव अतुल खंडेलवाल, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नौसाद आलम एवं रमेश कुमार, मुकेश कुमार, मोहन कुमार, मोहम्मद परवेज एवं अन्य व्यापारियों ने दिवंगत दीपू कुमार की हत्या की कड़ी निंदा की। दरभंगा जिला प्रशासन से दिवंगत आत्मा के परिवार को उचित न्याय दिलाने की मांग भी रखी। हम लोग जो पूरा व्यापारी संघ मिलकर के जो आज बंदिश किए हैं, हाँ, ये आए दिन अपराध बढ़ती जा रही है, प्रशासन जो है पूरा फोकस दिए हुआ है दारू पर, क्राइम पर कोई फोकस नहीं है। हम लोग का ये मंशा है कि प्रशासन क्राइम को अंकुश लगा दे। कन्हैया कुमार, मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन दरभंगा का जिला अध्यक्ष एवं दरभंगा के अन्य व्यापारी संगठनों के द्वारा आज दीपू कुमार जी के श्रद्धांजलि में कैंडल मार्च निकाला, जिससे मैं जिला प्रशासन दरभंगा और दरभंगा जिला के सभी जनप्रतिनिधियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं दरभंगा जिला प्रशासन का कुव्यवस्था को दर्शाता है ऐसा आपराधिक हमला। दरभंगा में पिछले महीने भी बहुत सारे आपराधिक हमले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के नाकामयाबी और नकारापन को दर्शाता है। तो मैं आग्रह करूंगा दरभंगा जिला प्रशासन ऐसी आपराधिक घटनाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को शिक्षापूर्वक निभाए। हमारे समाज के नौयुवक
दीपू कुमार खट्टी का अपराधी द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में हम लोगों ने सामाजिक रूप से व्यापारी लोग से आग्रह किया था कि आप दरभंगा बंद रखेंगे। उसमें हम लोगों का बहुत सहयोग मिला, इसके लिए हम दिल से व्यापारी वर्ग को धन्यवाद करते हैं और दरभंगा समाज के लोगों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी आग्रह को स्वीकार किया और दीपू कुमार खट्टी के आत्मा की शांति के लिए हमेशा कामना करते हैं कि हम लोग उनकी आत्मा को उनके श्रद्धांजलि दें। 12 मार्च को रामनगर आईटीआई में लगेगा जॉब कैंप। 12 मार्च को रामनगर आईटीआई में लगेगा जॉब कैंप। संयुक्त श्रम भवन रामनगर आईटीआई के निकट अवस्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के कार्यालय परिसर में 12 मार्च को एक दिवसीय जॉब कैंप का ऑनलाइन आयोजन किया गया है। इस जॉब कैंप में टू कॉम्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री सिटी हेतु असेंबलर के पद पर सिर्फ स्वस्थ एवं अविवाहित महिला आवेदकों का चयन किया जाएगा। इस पद हेतु योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इस जॉब कैंप में 300 पदों हेतु कंपनी द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार का आयोजन इसी कार्यालय में किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 8 घंटे के कार्य हेतु लगभग 9,000 से 12,000 रुपये पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त कार्य हेतु नियमानुसार अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए सभी योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष होगी योग्य होंगे। आवेदकों को कंपनी द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम दर पर खाने की सुविधा के साथ साथ रहने की व्यवस्था हेतु कोई शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नियोजन कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का एनसीएस पोर्टल पर निबंधन होना अनिवार्य है। पैनल अधिवक्ता के चयन हेतु आवेदन जमा करने की तिथि का हुआ विस्तार। पैनल अधिवक्ता के चयन हेतु आवेदन जमा करने की तिथि का हुआ विस्तार, अब 15 मार्च तक लिया जाएगा आवेदन। दीपक कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा पत्र निर्गत करते हुए बताया गया है कि व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के लिए पैनल अधिवक्ताओं के चयन हेतु पुनः आवेदन जमा करने की तिथि को विस्तारित किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में पैनल अधिवक्ताओं के चयन हेतु 10 मार्च 2021 तक आवेदन आमंत्रित करने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, जो अब बढ़ाकर 15 मार्च 2021 तक विस्तारित की गई है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय स्तर पर भी आवेदन 15 मार्च की संध्या 5 बजे तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के कार्यालय में हाथों हाथ या निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईडीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी देत। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईडीप टॉयलेट क्लीनर, हाईडीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईडीप ब्लैक फिनाइल आ हाईडीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन, तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर, ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 और 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ नाका 5 के निकट उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड, के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दीपू हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक बाजार बंद।
प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, नगर थाने को चुस्त करने की मांग। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने दिवंगत दीपू को दी श्रद्धांजलि, निकाला कैंडल मार्च। 12 मार्च को रामनगर आईटीआई में लगेगा जॉब कैंप। पैनल अधिवक्ता का चयन हेतु आवेदन जमा करने की तिथि का हुआ विस्तार। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारावैधिक स्वयंसेवकों के चयन के लिए तिथि का हुआ विस्तार। प्रभारी डीएम ने सदर प्रखंड के नल जल एवं मनरेगा योजना की समीक्षा। यूजीसी के 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। मिथिला में समाज विषय पर एक दिवसीय शोध कार्यशाला का हुआ आयोजन। 12 मार्च को पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों एवं उनके द्वारा प्रोत्साहित लाभुकों को लगेगा कोविड का टीका। सभी महाविद्यालयों ने 7 से 10 दिनों में डॉक्यूमेंट जमा कर देने का दिया भरोसा। बिहार में कोरोना के 44 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 302। और दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारावैधिक स्वयंसेवकों के चयन के लिए तिथि विस्तारित। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारावैधिक स्वयंसेवकों के चयन हेतु तिथि का हुआ विस्तार। पारावैधिक स्वयंसेवकों हेतु 15 मार्च तक लिया जाएगा आवेदन, 200 पारावैधिक स्वयंसेवक का होगा चयन। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार दरभंगा अनुमंडल हेतु 100, बेनीपुर अनुमंडल हेतु 50 एवं बिरौल अनुमंडल हेतु कुल 50, कुल 200 विधिक स्वयंसेवकों का चयन किया जाना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पारावैधिक स्वयंसेवकों के चयन हेतु स्थानीय स्तर पर आवेदन पत्र 10 मार्च 2021 के संध्या 5 बजे तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के कार्यालय में हाथों हाथ या निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित किया गया था, जो अब बढ़कर 15 मार्च 2021 तक विस्तारित कर दिया गया है। प्रभारी डीएम ने सदर प्रखंड के नल जल एवं मनरेगा योजना की समीक्षा। प्रभारी डीएम ने सदर प्रखंड के नल जल एवं मनरेगा योजना की समीक्षा, दिए कई निर्देश। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने दरभंगा के सदर प्रखंड के प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का मुआयना किया। उन्होंने सदर प्रखंड में क्रियान्वित नल जल एवं मनरेगा योजना की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होंने एक एक पंचायत के सभी वार्डों में संचालित नल जल योजना के संबंध में जानकारी ली। बताया गया कि सदर प्रखंड के वासुदेवपुर, रानीपुर, कबीरचक एवं सारा मोहम्मद पंचायत में नल जल योजना 100% चालू नहीं है। इन पंचायतों के संबंधित पंचायत सचिव को चेतावनी देते हुए उन्हें सभी लक्षित घरों में शीघ्र नल का जल पहुँचाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वासुदेवपुर पंचायत का पंचायत सचिव नल जल योजना के कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित कर दिया है। उन्हें सभी अपूर्ण योजनाओं को 15 दिनों में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी के 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुदान के मद्देनजर आयोजित हुई बैठक। यूजीसी के 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु आज अंतिम दिन 10 मार्च को विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित जुबली हॉल में मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 59 महाविद्यालयों के प्रतिनिधि और प्रधानाचार्यों के साथ यूजीसी टीम के सदस्यों के साथ आमने सामने बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी 59 महाविद्यालयों के प्रतिनिधि और प्रधानाचार्यगण उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के उद्घाटन वाचन से हुआ। कुलपति ने सभी प्रधानाचार्यों को यह निर्देश देते हुए बताया कि बिहार के सभी महाविद्यालय यूजीसी के रडार पर हैं, अतः आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आपके ऊपर यूजीसी की दोनों परियोजनाओं के अवशेष राशि को सूद के साथ वापस कर दें और उपयोग में लाए गए राशि को विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र भरकर आज ही जमा कर दें। उन्होंने कहा कि छूटे हुए कागजातों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग से मंगवाकर विधिवत रूप से ससमय जमा कर दें। यूजीसी टीम के चेयरमैन प्रोफेसर आर जे राव ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हमारे पास आज की तिथि में बकायों का चेकलिस्ट महाविद्यालयवार है, जिसे महाविद्यालय लेकर उस अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जमा कर दें। मिथिला में समाज विषय पर एक दिवसीय शोध कार्यशाला आयोजित। मिथिला में समाज विषय पर एक दिवसीय शोध कार्यशाला का हुआ आयोजन। महाराजा कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में प्रोफेसर रामचंद्र झा पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक दिवसीय शोध कार्यशाला मिथिला में समाज विषय पर आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विषय प्रवेश डॉक्टर अवनिंद्र कुमार झा ने किया। डॉक्टर अवनिंद्र ने आर्यों के मिथिला में आगमन के पूर्व से वर्तमान समय तक मिथिला के समाज की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। समाज में वर्गीकरण और परिवर्तन समय के थपेड़ों के प्रभाव में आते रहे हैं। डॉक्टर शंकरदेव झा ने मिथिला के समाज के विभिन्न आयामों की मैथिली साहित्य के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत की।
मिथिला के समाज का हर वैशिष्ट यहाँ के साहित्य संस्कृत और मैथिली साहित्य में वर्णित है। इस पर बल दिया, मिथिला में सभी जातियों में मूल ग्राम की प्रधानता रही है और सामाजिक स्तरीकरण को रोकने और बढ़ाने में सहायक रहा है। समाज में जजमानी व्यवस्था समाज को एकीकृत करने में सहायक थी। अपने भाषण में डॉक्टर मंजर सुलेमान ने स्पष्ट किया कि आज मिथिला के हर समाज में तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। अपने उद्बोधन में अमल कुमार झा ने मिथिला समाज में तंत्र की उपस्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। डॉक्टर सदन झा ने अपने व्याख्यान के आरंभ में ही उपस्थित शोधकर्ताओं से प्रश्नों और उनकी समस्याओं को आमंत्रित किया। धन्यवाद ज्ञापन फाउंडेशन के कार्यकारी अधिकारी श्रुतिकर झा ने किया और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रोफेसर रामचंद्र झा के हाथों प्रदान किया गया। डॉक्टर संतोष कुमार, सज्जाद हसन, पारसनाथ सिंह ठाकुर, संतोष कुमार, अरुण कुमार आदि भी सभा में मौजूद थे। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो रेफरेंस शेयर कर रहे हैं उसका ऑथर कौन है, तो किसने, चार W याद रखिए, तो काम हमेशा कभी लूज नहीं कीजिएगा, कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। हु, तो उसके बाद दूसरा होता है, उसके बाद वो डिपेंड करता है क्या क्या स्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं। कब, ईयर, ये बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। यदि ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है तो कब में आपको डेट भी देना होगा, आपको मंथ भी देना होगा। यदि ये जर्नल आर्टिकल है या बुक है तो बस ईयर चलेगा, ये वैरी करेगा। तो W, हु, व्हेन, तीसरा अहम फैक्टर है व्हाट, जो आप शेयर कर रहे हैं वो क्या है, वो एक आर्टिकल है, वो मोनोग्राफ है, क्या है, वो वेबसाइट का एक आर्टिकल है, तो इस सब का थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उसको लिखने में। और चौथा है वेयर, आपको कौन सा पब्लिशर है, कौन सा जर्नल है, उसका यदि मोनोग्राफ है, बुक है, तो वो पब्लिशर, पब्लिकेशन का जगह क्या है। कल्याणी फाउंडेशन में आप एक दिवसीय शोध कार्यशाला से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और इस तरह का कार्यशाला जब भी हो तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि यहाँ आए और विद्वत्जनों से हमें जो कुछ सीखने को मिल रहा है वो मेरे आगे शोध कार्य में बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिलेगी। 12 मार्च को पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं उनके द्वारा प्रोत्साहित लाभुकों को लगेगा कोरोना का टीका। 12 मार्च को पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों तथा उनके द्वारा प्रोत्साहित कर स्वास्थ्य संस्थान में लाए गए योग्य लाभुकों को COVID-19 का टीका लगाया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार COVID-19 वैश्विक महामारी से बचाव हेतु 1 मार्च से राज्य के आम नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 वर्ष पूर्ण हो रही है या उससे अधिक हो तथा 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के वैसे नागरिक जो सहरुग्णता से ग्रसित हैं उनका COVID-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में 12 मार्च को पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों तथा उनके द्वारा प्रोत्साहित कर स्वास्थ्य संस्थान में लाए गए योग्य लाभुकों जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 60 वर्ष पूर्ण हो रही है या उससे अधिक हो तथा 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के वैसे जनप्रतिनिधि जो सहरोगता से ग्रसित हों उनका COVID-19 का टीकाकरण कराया जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर CBSE नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दीपू हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक बाजार बंद। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने SSP को सौंपा ज्ञापन, नगर थाने को चुस्त करने की मांग।
मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने दिवंगत दीपू को दी श्रद्धांजलि, निकाला कैंडल मार्च। 12 मार्च को रामनगर आईटीआई में लगेगा जॉब कैंप। पैनल अधिवक्ता का चयन हेतु आवेदन जमा करने की तिथि का हुआ विस्तार। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों के चयन के लिए तिथि का हुआ विस्तार। प्रभारी डीएम ने सदर प्रखंड के नल जल एवं मनरेगा योजना की समीक्षा। यूजीसी के 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। मिथिला में समाज विषय पर एक दिवसीय शोध कार्यशाला का हुआ आयोजन। 12 मार्च को पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों एवं उनके द्वारा प्रोत्साहित लाभुकों को लगेगा कोविड का टीका। सभी महाविद्यालयों ने 7 से 10 दिनों में डॉक्यूमेंट जमा कर देने का दिया भरोसा। बिहार में कोरोना के 44 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 302। और दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। सभी महाविद्यालयों ने 7 से 10 दिनों में डॉक्यूमेंट जमा करने का दिया है भरोसा। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने 7 से 10 दिनों में उपयोगिता से संबंधित शेष बचे हुए डॉक्यूमेंट जमा कर देने का कमिटमेंट किया। यद्यपि प्रोफार्मा में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया, परंतु उपयोगिता से संबंधित कागजातों के साथ सभी प्रधानाचार्य आमने सामने बैठक में उपस्थित थे, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय ने पूर्व में प्रधानाचार्यों के साथ इस बाबत 3 बैठकें कर लेने की बात कही। आशा व्यक्त की गई कि शीघ्र ही सभी राशियों का समायोजन हो जाएगा। बिहार में कोरोना के 44 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 302। बिहार में कोरोना के 44 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 302। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 44 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,276 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या 302 बताई गई है। सबसे अधिक पटना में 10, अररिया में 1, औरंगाबाद में 6, बेगूसराय में 4, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 3, कटिहार में 6, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 2, रोहतास में 2, सहरसा में 1, सिवान में 1, सुपौल में 2 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। और दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। ये थे अब तक के समाचार। बिताएंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दीपू हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक बाजार बंद। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, नगर थाने को चुस्त करने की मांग। मिथिला मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने दिवंगत दीपू को दी श्रद्धांजलि, निकाला कैंडल मार्च। 12 मार्च को रामनगर आईटीआई में लगेगा जॉब कैंप। पैनल अधिवक्ता का चयन हेतु आवेदन जमा करने की तिथि का हुआ विस्तार। दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल हेतु पारा विधिक स्वयंसेवकों के चयन के लिए तिथि का हुआ विस्तार। प्रभारी डीएम ने सदर प्रखंड के नल जल एवं मनरेगा योजना की समीक्षा। यूजीसी के 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। मिथिला में समाज विषय पर एक दिवसीय शोध कार्यशाला का हुआ आयोजन। 12 मार्च को पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों एवं उनके द्वारा प्रोत्साहित लाभुकों को लगेगा कोविड का टीका। सभी महाविद्यालयों ने 7 से 10 दिनों में डॉक्यूमेंट जमा कर देने का दिया भरोसा। बिहार में कोरोना के 44 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 302। और दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।